मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं, आप लोगों की इस चेतना को प्रणाम करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं। आज हम उस व्यक्तित्व के लिए एकत्र हैं जो कभी जाकर खेत में बंदूक बोया करता था। बच्चा था, खेत में बंदूक जाकर बोया करता था। पिताजी ने पूछा, है खेत में बंदूक क्यों बो रहे हो, क्यों गाड़ रहे हो? बच्चे ने कहा, पिताजी मैं देखता हूं यहां पर अनाज बोते हैं, खलियान में बहुत सारा अनाज पैदा होकर खलियान में आता है, आप घर में बोरियां भर के ले आते हो। मेरे पास और कोई साधन नहीं है, तो मैंने सोचा भारत माता को आज़ाद कराने के लिए बंदूक को खेत में बो दूंगा, बहुत सारी बंदूकें हो जाएगी, मेरे दोस्तों को बंदूकें बांट दूंगा, मेरी भारत माँ को आज़ाद कराना चाहता हूँ। पिताजी, भारत माता जिसको अपने प्राणों से भी प्यारी थी, अंग्रेजी तोपों पर जिसकी सिंह गर्जना भारी थी, जो भारत की देख बेड़ियां रखती मासूर होता था, क्रांति युद्ध के लिए देश में वो बंदूकें बोता था, जिसका बचपन छोड़ खिलौने खेला था हथियारों से, जिसने प्यार किया यौवन में आजादी के नारों से, अंग्रेजी सिंहासन जिसकी हिम्मत से थर्राया था, दुश्मन की छाती पर जिसने वंदे मातरम गाया था। पंक्ति तो अब पढ़ रहा हूं, हाथ खामोश है कुछ, पंक्ति तो अब पढ़ रहा हूं। उसके पथ की धूल उठा लो, उसके पथ की धूल उठा लो, माथे का श्रृंगार करो, हे भारत माँ कोख धरो, अब भगत सिंह तैयार करो। माता बहनों की उपस्थिति को रेखांकित करता हूं। इस सदन में केवल युवा शक्ति नहीं है, केवल बुजुर्ग लोग नहीं है, माता बहनों की उपस्थिति उल्लेखनीय है ऐसे कार्यक्रमों में। मैं कहा करता हूं, इस देश में केवल चरखा कातने से देश को आजादी नहीं मिली, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। सुनिएगा, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत से भी देश को आजादी नहीं मिली। इस देश को आजादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत माता की छाती पर न्योछावर कर दिए। मैं पहले कवि को आवाज देना चाहता हूं, ये चेतना बनाकर रखना, मुझे विश्वास है पहला कवि बहुत मूल्यवान होता है। जब हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं तो पहले पत्थर की पूजा करते हैं। आप जब पहला कवि मंच पे आए, तालियों से उसकी पूजा करना। जब मैं पहला कवि आमंत्रित करूं, और पहला कवि ये जो बिल्कुल खामोश बैठा, एक सुरेंद्र चतुर्वेदी यहाँ के बड़े शायर हैं, कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वे लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। एक बहुत कुशल कलम को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं, चेतना बनाकर रखना। हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ भाई राजकुमार राज। कष्ट को नष्ट करो, जगदम्बा है बीच भंवर में जो नावे उभारो। कष्ट को नष्ट करो, जगदम्बा है बीच भंवर में जो नावे उभारो। पाप का सब अंधियार घटे मैया, आए करो घट में उजियारो। मन के हर मन के में राम बसे बस, दीनन के मैया भाग्य संवारो। काव्य रमे आशीष हमें दो माँ, मंच सजाब आन पधारो। काव्य रमे आशीष हमें दो माँ, मंच सजाब आन पधारो। बहुत अच्छे। आइए, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के द्वारा आयोजित इस पुनीत कर्म को आगे बढ़ाते हैं। मुझ पर जिम्मेदारी पहले कवि की है, मैं आपका छोटा भाई, कोशिश करूंगा कि आप में जो चेतना है उसके प्रवाह को बल दे सकूं। एक दिन मैं वहां से प्रारंभ करता हूं जहां से हम सब लोगों का आरंभ हुआ। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे सहजता से पूछा, तू कवि हो गया है, बड़े बड़े कवियों के साथ कवि सम्मेलन करता है, तूने कभी मेरे बारे में कुछ लिखा? तो मैंने कहा, माँ
जीवन माला में श्वासों का रत्न जड़ा नहीं होता। वाह वाह। जीवन माला में श्वासों का रत्न जड़ा नहीं होता, तेरा प्रताप ना होता तो पैरों पर खड़ा नहीं होता। और देख लिए काशी काबा मैंने चारों धाम, यहाँ दावा है कोई भगवान माँ से बड़ा नहीं होता। क्या बात है वाह। तू प्यार दे दुत्कार दे सब कुछ कबूल है, तू प्यार दे दुत्कार दे सब कुछ कबूल है, ये शब्द नहीं है तेरी पूजा के फूल है, एक गीत मैं लिखूं नहीं औकात ये मेरी, जो कुछ लिखा है माँ तेरे चरणों की धूल है, जो कुछ लिखा है माँ तेरे चरणों की धूल है। इन 70 सालों में लोग बहस कुछ भी करते रहे साहब, हमने जो खोया है वो संस्कार खोए हैं। और वहीं से बात प्रारंभ करूंगा कि जिनके घरों में चूल्हे आंच को तरसते हैं उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती। आहा। जो लोग मेरे नौजवान साथियों पल्ले बांध कर ले जाइएगा, कवि सम्मेलन केवल मनोरंजन धर्मिता नहीं है, आपने कवि सम्मेलन बहुत सुने होंगे, अजमेर में होते रहते हैं, लेकिन आज का कवि सम्मेलन एक अलग कवि सम्मेलन है जहां से आपको वो बातें मिलेंगी जिनकी आवश्यकता आज के दिन इस देश को है। कि जिनके घरों में चूल्हे आंच को तरसते हैं उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती, हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा, आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। नौजवान दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि इन बुजुर्गों को कुछ नहीं पता है इसलिए हम बदतमीजियों पर उतर आए हैं, लेकिन तय बात है कि जिन्होंने हमें पैदा करके इतना बड़ा कर दिया है वो सब जानते हैं। कि जिनके घरों में चूल्हे आंच को तरसते हैं उनके गले में कभी चीख नहीं मिलती, हमने पढ़ा था कभी पर सेवा प्रभु सेवा, आज की किताबों में वो लीक नहीं मिलती। आज की वो पीढ़ी जो घमंडी में ही चूर रहे उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती, आज की वो पीढ़ी जो घमंड में ही चूर रहे उनके व्यवहार में वो सीख नहीं मिलती। कोई तो बताए उन्हें मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। कोई तो बताए उन्हें मांगोगे घमंड से तो दुआएं तो दूर यहाँ भीख नहीं मिलती। अर्जुन दादा, मैं भारतीय नौसेना में था, मुझ पे एक उत्तर प्रदेश वाले ने, बुरा मत मान जाइएगा, एक यूपी के भाई ने, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा था तो सामने से एक तंज कसा कि राजस्थान में क्या है, देखिए चारों तरफ बंजर जमीन, कटीले पेड़ पौधे, हमारे यहाँ देखो भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ पैदा हुए। तो मैं बिना एक बहुत सलीके से सुलझ जाए मामले ने, मैं बोले और भैया चोर हुए बैठी पुलिस आवक। बात किसी पर तंज कसने की नहीं है, मैं आपको अपनी मातृभूमि का गौरव बताता हूं, अगर आपके दिल में अगर कहीं राजस्थान धड़कता है, बहुत बढ़िया, अगर आपके दिल में कहीं राजस्थान धड़कता है तो मैं राजस्थान का परिचय देता हूं चार पंक्तियों में। स्वागत है आपका। वाह। कि नारियल संग बांस जोड़ दे साज हो जाता है। रावण था देखा, कुछ नहीं लगता साहब, एक नारियल की टोक सी, एक बांस को डंडो और साज तैयार। कि नारियल संग बांस जोड़ दे साज हो जाता है, मूछो संग साफे में शाही अंदाज हो जाता है, और अपनी क्या तारीफ करें, अपना तो जो पत्थर भी पड़े मकबरे पे मकबरा ताज हो जाता है। तो उस धरती पर खड़ा हूं साहब, एक चीज बड़ी कचोटती है। अजय भैया आपको सादर प्रणाम करता हूं। एक चीज बहुत कचोटती है, हर रोज अखबार पढ़ते हैं हम, अब वो एक कविता आपको आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। अजमेर इसलिए विशेष है ये कविता अजमेर में सुनानी, क्योंकि अजमेर में ही इस कविता का जन्म हुआ। वो कविता आपको सुना रहा हूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे शहीद, लेकिन सबसे पहले पुष्पांजलि मैं इन तीन लोगों को दे दूं जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण आहूत कर दिए। वाह भाई। एक दिल को एक बात कचोटती है रोज,
कि हर रोज एक अखबार के एक पन्ने पर छपा होता है कि आज 20 साल का लड़का फला जगह पे एक्सीडेंट होके मर गया, मोटरसाइकिल पर सवार था, तेज गाड़ी चला रहा था तो सामने से ट्रक के भिड़ा और मर गया। शायद मेरे देश की जवान पीढ़ी को ऐसा लगता होगा कि किसी सुंदर लड़की को देखकर मोटरसाइकिल स्पीड से भगाने में मर्दानगी है, लेकिन नहीं, मेरे देश की 20 साल की पीढ़ी अगर मोटरसाइकिल पर बैठने से पहले 20 सेकंड ये सोच ले कि घर पे 20 साल की ममता केवल इसलिए चिंतित है कि बेटा शाम को सब्जी कौन सी खाएगा, तो मेरा दावा है रोड पर होने वाले एक्सीडेंट 50% कम हो जाएंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। जवानी के असली मर्दानगी के असली दर्शन करवाता हूं और जो सर्वश्रेष्ठ है आपको सौंपता हूं कि जवां रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया। भगत सिंह को बोला उनकी माता जी ने कि भगत्या अब तेरो ब्याह कर दिया, राजस्थानी उन्होंने पंजाबी में बोला होगा, तो बोला मुस्कुराए और चले गए वहां से। शाम को एक पत्र लिखा कि मेरी दुल्हन मेरे देश की आजादी है, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। पत्र लिखा, तकिए के नीचे रखा, घर छोड़कर चले गए। कि जवां रंगीनियां अटखेलियां सब त्याग कर आया, सुनी सहनाइयां हल्की तो घर से भाग कर आया। उसे प्यारा नहीं था पायलों का शोर मतवाला, नहीं थी आरजू पंखा झिलाए रूप सी बाला, नहीं उसको खनकती चूड़ियों का गीत प्यारा था, किसी भी हूर पर ना वो कभी दिलजान हारा था, न खोले मोड़ उसने थे कभी चाहत भरे खत के, न सुलझाने कभी बैठा उलझते केश उल्फत के। वो शायर था हवाओं का बड़ा मदमस्त मोला था, वतन महबूब है मेरा लगा पुरजोर बोला था, महज 23 बसंतों में अमिट इतिहास लिख डाला, फिरंगी राज का मानो कि सत्यानाश लिख डाला, पहनकर मौत का सहरा कहा दुल्हन है आजादी, शहादत का निमंत्रण है मनाओ धूम से शादी, खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा, वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो मेमे देखने आई मर्द की जात। वाह वाह, राज जिंदाबाद, वाह। एक सहज सा अंदाजा लगाइए साहब, आपको आज पता चले कि अगली 23 मार्च को आपको फांसी दे दी जाएगी। उनको तो केवल 6 महीने पहले बताया गया था, मैं तो 1 साल का समय ले रहा हूं। क्या बीतेगी आप पर? आपका वजन कम हो जाएगा, आप सूख जाएंगे, आप मरने से पहले मर जाएंगे, लेकिन मां भारती के वो 3 लाल, जब फांसी से 5 दिन पहले उनका वजन नापा गया तो उस दिन से ज्यादा था जिस दिन वो जेल में आए थे। तब मेरे युवा दोस्त सुने, तब जाकर जेलर ने अपने घर बताया कि यहां इस देश में ऐसे ऐसे वीर हैं जो मौत के सामने खड़े हैं लेकिन उनका वजन बढ़ रहा है। वाह भाई। तब उन अंग्रेजों की मेमे उनको देखने के लिए जेल में आई, ये होती है असली मर्दानगी। खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा, वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो मेमे देखने आई मर्द की जात क्या होती, उसे मायूसियत के हाथ चाहकर भी न छुपाए, घड़ी जब आई परिणय की तो मंगल गीत खुद गाए, सजी मुस्कान चेहरे पर वो आंखें नम नहीं देखी, वो रस्सी मौत की भी अप्सरा से कम नहीं देखी, पड़ी जब अप्सरा पे तो नजर वो झूम कर बोला, मुझे तेरी ही हसरत थी वो फंदा चूम कर बोला, बड़ी छोटी उम्र की ये बड़ी ऊंची कहानी है, भगत सिंह नाम है जिसका जवानी की निशानी। वाह बहुत अच्छे, वाह। लेकिन साहब वो अपना काम कर गए हैं, अब जिम्मेदारियां हमारी हैं। जिनको सलीका नहीं कैंची भी पकड़ने का, वही देखो महंगे से महंगे हजाम हो गए। इस देश की विडंबना है कि जिनको सलीका नहीं कैंची भी पकड़ने का, वही देखो महंगे से महंगे हजाम हो गए। फाड़ना तिरंगा और गाली देना देश को ही, आजकल भारत में किसे आम हो गए। हमने भी टाल दिया ना कोई मलाल किया, कौन सा नया है कई ऐसे काम हो गए। हमने भी टाल दिया ना कोई मलाल किया, कौन सा नया है कई ऐसे काम हो गए।
किंतु इस सहने में सह के चुप रहने में मंदिरों के चौकीदार आसाराम हो गए। किंतु इस सहने में सह के चुप रहने में मंदिरों के चौकीदार आसाराम हो गए। तकलीफ होती है साहब जब फौजी सीमा पर मरता है या सीमा से बाहर जाकर लड़ाई लड़ता है हमारे लिए और उससे सबूत मांग लिए जाते हैं, तकलीफ होती है। एक शहादत हुई थी दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर में, आपको आप सबको याद होगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मैं एक कवि हूं, चेतना का कवि हूं और आप तक वही बात पहुंचाना चाहता हूं जो मुझे पहुंचानी चाहिए। तत्कालीन सरकार ने एक नोटिस भेजा इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा के घर कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट डाइड इन ए फेक एनकाउंटर, आप किसी फर्जी मुठभेड़ में नहीं मारे गए हैं, ये आपको प्रूव करना है। तत्कालीन सरकार ने मरे हुए आदमी के घर नोटिस भेजा उसी के नाम से। तब मुझसे किसी ने पूछा भैया ये नेता लोग शहीद को शहीद क्यों नहीं मानते हैं, तो मैंने कहा अगर बात आपके जहन की हो, आपकी आत्मा की हो, तब बात का समर्थन कीजिएगा। मैंने कहा मुफलिसी के आंसुओं को फरियाद नहीं मानते, मुफलिसी गरीबी कि मुफलिसी के आंसुओं को फरियाद नहीं मानते, मन में पाप भरा है अवसाद नहीं मानते, ये ना माने शहीद को शहीद तो क्या ताजुब, ये तो बिना डीएनए टेस्ट के औलाद को औलाद नहीं मानते। शहादत को सियासत की छुरी से काटने वाले, शहादत को सियासत की छुरी से काटने वाले, वो क्या समझे मोहब्बत को है नफरत बांटने वाले, हुई खुददारियों की कोख से पैदा शहादत है, वतन की बात करते हैं ये तलवे चाटने वाले, वतन की बात करते हैं ये तलवे चाटने वाले। बहुत कम समय के लिए माइक पर हूं, उसके बाद बड़े कवियों को आपको सुनना है, एक दो मुक्तक और उसके बाद एक गीत, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि कवि सम्मेलन जिस मूड के साथ आप सुनने आए थे वैसा हो रहा है, तो एक बार आयोजक और संयोजक दोनों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ भैया कितनी बढ़िया कविता सुनाओ, यहाँ तो पानी मांग ही लेता, अच्छे अच्छे लोग पानी मांग लेते हैं भैया, अजमेर है ये। एक और शहीद हुए साहब कारगिल के समय में, कैप्टन मनोज पांडे, उनका किरदार बहुत सारे लोगों की नजर में उनके दिल में बसा होगा। आपने एलओसी फिल्म देखी है तो अजय देवगन ने उनका किरदार निभाया। अपनी माँ को 3 दिन पहले फोन किया, शहादत से 3 दिन पहले, और माँ ने फोन रखते समय 4 शब्द कहे, मात्र 4 शब्द, बेटा अपना ख्याल रखना। इन 4 शब्दों में दुनिया भर का डर, दुनिया भर का दर्द छुपा था। मनोज पांडे समझ गए कि माँ क्या कहना चाहती है, तो मनोज पांडे ने जो जवाब दिया, अगर आपको लगे कि इस भारत का बेटा ही ऐसा जवाब दे सकता है तो मेरे लिए नहीं, तालियां मनोज पांडे के लिए उठें, भगत सिंह के लिए उठें, सुखदेव राजगुरु के लिए उठें। मेरे जज्बे के आगे दुश्मनों की आस हारेगी, मेरे जज्बे के आगे दुश्मनों की आस हारेगी, तेरे बेटे की सुन मारती दुनिया उतारेगी, वतन के रास्ते में जो मुझे गर मौत आए तो मैं उसको मार डालूंगा, मुझे क्या मौत मारेगी, भाई वाह, मैं उसको मार डालूंगा, मुझे क्या मौत मारेगी। आइए हर रोज शहीद होने वाले शहीदों को याद करते हैं, पुलवामा के शहीदों को याद करते हैं, उसके बाद जो शहीद हुए उनको याद करते हैं, और हर उस शहीद को याद करते हैं। एक गीत, दोबंद का गीत है, उसके बाद अपना स्थान। स्वागत भैया, स्वागत।
हनुमान थप्पा आपको याद होंगे, हालांकि ये गीत मैंने उनसे पहले लिख दिया था, आप उसी शहीद को, उन्हीं को, हनुमान थप्पा को ही इस गीत का किरदार माने। और एक दोस्त अपने दोस्त से एक मनोहार कर रहा है, अगर मैंने सलीके से दोस्ती पहचान ली है तो बता दीजिएगा कि हाँ थोड़ी बहुत कविता हो गई है। बर्फ ओढ़ कर सोया कब से, बर्फ ओढ़ कर सोया कब से, अब तो मुझे उठा दे तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे। बर्फ ओढ़ कर सोया कब से, बर्फ ओढ़ कर सोया कब से, अब तो मुझे उठा दे तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे। पहले बंद में उलाना देता है। तेरे लिए ए यार मेरे मैं सब रिश्तों को तोड़ चला, तेरे लिए ए यार मेरे मैं सब रिश्तों को तोड़ चला, छोड़ छड़ी बाबूजी की मैं माँ का आंचल छोड़ चला, छोड़ चली छोड़ छड़ी बाबूजी की मैं माँ का आंचल छोड़ चला, कह के आऊंगा मिलने को, कह के आया था मिलने को, उनसे मुझे मिला दे तिरंगे घर पहुंचा दे, वाह तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे। अंतिम बंद में विशेष किरदार के लिए विशेष संदेश। उस आंगन में मेरी आधी सांसें छम छम चलती हैं, उस आंगन में मेरी आधी सांसें छम छम चलती हैं, मेरे ख्यालों में पगली की उंगलियां भी जलती हैं, उससे कहना उसका आधा तन मैं लेकर जाता हूँ, अगले जन्म मैं पुनः वरूंगा वचन ये देकर जाता हूँ, उसके माथे के रंगों में हो, उसके माथे के रंगों में अपने रंग मिला दे तिरंगे घर पहुंचा दे, वाह तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे, तिरंगे घर पहुंचा दे। जब भी लिखना है भारत को भाग्य विधाता लिखना है, जब भी लिखना है भारत को भाग्य विधाता लिखना है, मेरा कर्म मात्र भारत की गौरव गाथा लिखना है, तन भी भारत मन भी भारत, भारत है भगवान मेरा, श्वास श्वास पर केवल मुझको भारत माता लिखना है, श्वास श्वास पर।